तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज दोबारा से आप देख रहे हो कॉमेडी टाइम विद ध्रुव। तो आज है जो हम अपना डे टूर करवाएंगे मेरे विलेज का, मतलब घर का। तो ये चुप रहे ना भाई, 2 मिनट वीडियो बना देते ना, तो उसको उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो हमारे विलेज में गांव में कॉमन है। तो सबसे पहले आता है हमारी दादाजी की गाड़ी, कुछ खास नहीं है, बस स्कॉर्पियो। आगे से देखनी है तो देख लो, ये साइड का व्यू सेम टू सेम दूसरी तरफ भी है। फिर ये इसकी हेडलाइट, फिर ये उसके पता नहीं क्या है, फिर ये उसके नीचे वाली नहीं। तो आज बस ये बात मत बोलो, पूछो कि मुझे अपने दादाजी का नाम पता है, मुझे नहीं पता, बस मैं उनको दादाजी। फिर आती है हमारी ये साइड की दूसरी, भाई चुप रहे ना, मुझे वीडियो बनानी है, ऑडियंस को डिस्टर्ब हो रहा है पागल। तो ये साइड है हमारा पूरा, ये इधर हम अनाज रखते हैं, ये पूरा वीट है, ये सारे तो मुझे नहीं पता, नहीं ये वीट है एकदम। और फिर ये हमारी एक दो बाइक इधर खड़ी है, यहाँ पे वैसे पहले वो करते थे, मतलब आग जलाते थे। फिर ये देखो ये कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, ये खाट देखो, खाट का मेटल बहुत सही अच्छा है। फिर ये पता नहीं कौन सा प्लांट, ये एरिका पाम शायद, नहीं पता, ये भी एक अच्छा प्लांट है। ये देखिए ये है एरिका पाम, ये रियल वाला, ये कर्व्ड वाला मंकी बार है। धक्का क्यों दिया, एक मिनट, ये शायद आम नहीं, वो वाला एक आम का पेड़ है, फिर ये पता नहीं कौन सा है, पता नहीं। ये है जो हमारा टमाटर का, अच्छे अच्छे टमाटर उग रहे हैं। फिर ये है जो पता नहीं किसका है, ये पूरा टमाटर वाला स्प्रे सक्सेस। तो फिर है जो ये, अगर आगे जाए तो ये है हमारा स्प्रिंग अनियन वाला हथियार, या फिर आप तो ये हमारे ये वाला पता नहीं कौन सा है, एक मिनट, पापा ये वाला कौन सा प्लांट है, अनार, ये हाँ ये तो ये अनार है। पापा की फेस रिवील हुई है जम्मू वाले वीडियो में, जम्मू टूर, उसको देख लेना, मतलब ईटिंग चिकन पता नहीं, ईटिंग चिकन, हाँ ईटिंग चिकन फॉर फर्स्ट टाइम, उसमें देखोगे तो एक अंकल है उनकी भी वही है, वॉइस भी एकदम सेम है, वॉइस रिवील हो गई इस वीडियो। तो ये है हमारा अनार का पेड़। तो अब है जो आगे चल के आ रही है, तो फिर ये थी पहली बाउंड्री। चलो इसमें एक और चीज दिखा देता हूँ, जो पेड़, और ये हमारी गाड़ी जिसमें एक फन फैक्ट है, जिसमें दुनिया का 7th मोस्ट फास्टेस्ट इंजन लगा। हाँ फिर ये हमारा एक और, ये दूसरी वो पहली बाउंड्री थी, तो ये दूसरी बाउंड्री। तो सबसे पहले ये यहाँ पे हमारे पेड़ के छोटे छोटे सेक्शन, ये मुझे नहीं पता है यार,
भाई ये पपाया का, ये मैं गारंटीड बोल। फिर है जो ये एक और बड़ा सा है जिसका पान है, ये स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है। फिर ये और भी लटके हुए हैं। हाँ ये है जो मैं अपनी नाइट टूर वाली वीडियो में दिखाना भूल गया था, इसका मतलब बताना भूल गया था। ये है जो टेविलस बैकबोन। फिर है जो ये और फ्लावरिंग प्लांट, इसमें भी अभी आएंगे। ये भी, ये पता नहीं कौन सा है। एक मिनट पापा, ये कौन सा है? रेसिना। रेसिना हाँ, या फिर क्रेसिना, वो भी है। ये एक छोटा वाला क्रिसमस ट्री, इसको तो मैं यही बोलूँ, एक्चुअल नाम नहीं पता। ये है जेड प्लांट शायद, तो ये पता नहीं कौन सा है। फिर ये एक और है, तारो। ये देखो, ये भी एक स्नेक प्लांट है, अलग है। ये कौन से इंसान है? ये कौन सा है पापा? ये विद्या का प्लांट। विद्या? अच्छा, विद्या मतलब नहीं याद आ गया। हाँ, विद्या मतलब एजुकेशन। तो ये हमारा चूल्हा, जैसे ये छपरा है, ये छपरा है, फिर बाहर ये एकदम चूल्हा है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक प्योर वीट की वो बनती है रोटी, और बहुत टेस्टी लगती है। ये पता नहीं, तो हम चलते हैं ये वाले एरिया पे। ये तुलसी वगैरह के प्लांट्स, हाँ इसका नाम मुझे पता है, मम्मी को भी पता है, होता है कि देख कर ही पहचान जाती है। ये है कड़ी पत्ता। ये एक और स्वीट पोटैटो वाइन, स्वीट पोटैटो वाइन। हाँ, ये फॉक्स टेल परन। एक मिनट पापा, मैं इसका फूल तोड़ लूँ। ये पता नहीं कौन सा है, लेकिन मैं तो इसको वैसे मैं इसको ये बुलाता हूँ पिंक फ्लावर ऑफ फाइव लीव्स, क्योंकि इसमें ये पिंक कलर के पांच लीव्स होती है। फिर ये वाला हिबिस्कस है, ये रबर प्लांट है। ये नॉर्मली वो वाला प्लांट है जिसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इतना बता सकती हूँ ये वो वाला प्लांट है जो कि हमें खासकर सोसाइटीज में मिलता है। फिर ये और हाइकस। क्या? हाइकस। हाँ, ये हाइकस सॉरी। ये और हिबिस्कस, ये मैं तो इसको व्हाइट मंट प्लांट बोलती हूँ ऐसे। ये एक और हिबिस्कस, नहीं कहा गया, हाँ ये एक और हिबिस्कस, और इसको तो मैं व्हाइट मंट प्लांट बोलती हूँ, जिसकी मैं पत्तियाँ भी खाता हूँ। कभी मत खाना, मेरी जो बॉडी है वो सख्त है, स्किन सख्त नहीं है, बॉडी सख्त है, इसीलिए मैं सहले तू। हाँ, ये स्पेशल सक्षण जिसको मैंने नाइट टूर में भी दिखाया था, इन्होंने वो वीडियो देखी है। ओ मैं ये भूल गया। हाँ, ये एक और फ्लावर सक्षण, ये पता नहीं कौन सा है। ये है जरूल। जरूल जरूल, मैं इसको जुनून बोलूंगा। जरूर
होगा या कुछ भी, मैं उसको जमीन दे दूंगा। फिर वैसे दोस्तों आप है जो इस प्लांट के इस पे ध्यान मत दो, ये माया नहीं है, ये चंपा है। मैं अच्छे से जानती हूँ चंपा कैसा दिखता है, सोसाइटी में पूरा वही भर रखा है। तो इस पे उल्लू मत बन जाना, इसमें पत्ती आएंगी, माया कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। फिर जो अब क्या कुछ? ये मैं प्रॉपरली बोल सकती हूँ, इसमें पत्तियां भी आ चुकी है, तो ये तो चंपा ही है, क्लियर ली चंपा। चंपा मेरा टंका फुल। तो फिर जो ये हमारा ये जेड प्लांट बॉन्साई स्टाइल में पत्थर ये बन जाए स्टाइल में चट प्लान अच्छा दिखता है। फिर ये है जो ब्लू सैंड, पानी समझ मत लेना। और फिर है जो ए पापा इधर दिखाओ, इधर ये देखो, ये मैंने तो पेंट नहीं किया लेकिन पेंट तो किया है, ये मैंने पेंट किया है, ये वाला मैंने पेंट किया है ना पापा, है ना। ये एक और है, अभी इसका प्लांट, इसका नाम भी नहीं पता, इसका नाम भी, इनका नाम जरूर पता है बुद्धा। ये दोनों ही क्रेसुला है, ये क्रेसुला की कोई और वैरायटी, ये एकदम ओरिजिनल, ये आर्टिफिशियल। तो मैं आपको मेरे पापा दिखा रहे हैं ये सब, तो आप देख लो, पापा भी तुम्हें बोलते रहेंगे कि ये कौन सा है ये कौन सा है, पापा बोल देना जिससे मेरी ऑडियंस को पता चल जाए। और फिर है जो तब तक मैं ढूंढता हूँ कि और कोई चीज तो नहीं बची दिखाने के लिए। Yes.